हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे पीएफ में ईमेल आईडी कैसे ऐड करें। यदि आपके पीएफ में अभी तक ईमेल आईडी ऐड नहीं है तो पीएफ में ईमेल आईडी ऐड करने के लिए सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद सर्च बार में सर्च कीजिए यूएएन। यूएएन सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर यूनिफाइड पोर्टल .epfindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट को ओपन कीजिए। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर अपना यूएन नंबर एंटर कीजिए, यहाँ पर पासवर्ड एंटर कीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर कीजिए और उसके बाद साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। साइन इन के ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप यूएन में सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ गया है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। यूएन में सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। देखिए यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और देखिए यहाँ पर ईमेल। देखिए यहाँ पर अभी हमारे पीएफ में ईमेल आईडी ऐड नहीं है तो हम इसमें अपना ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर पेंसिल का आइकन है, पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे। पेंसिल के आइकन क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। देखिए यहाँ से आप अपने मोबाइल नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। चेंज मोबाइल नंबर के आप क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर को भी चेंज या ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नॉट अवेलेबल। ईमेल आईडी को ऐड करने के लिए चेंज ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चेंज ईमेल आईडी के ऑप्शन क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे और उसी ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ पर री एंटर करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। न्यू ईमेल आईडी और री इंटर ईमेल आईडी को एंटर करने के बाद गेट ऑथराइजेशन पिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को यहां पर एंटर करेंगे। ओटीपी को एंटर करने के बाद सेव चेंज के ऑप्शन क्लिक करेंगे। सेव चेंज के ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके पीएफ में सक्सेसफुली ईमेल आईडी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने पीएफ में ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।